आज हमारे पास है 24 फीट बाय 28 फीट का एक प्लॉट एरिया जिसको हमने प्लानिंग की है। ये थी डिमांड, हमारे पास लास्ट वीडियो में कमेंट आया था प्रमोद सिंह का, जो 24 बाय 8 फीट का प्लॉट एरिया को ड्रॉ करने के लिए हमसे हमें बोला था। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हमने ये प्लॉट एरिया ड्रॉ किया है 24 फीट बाय 28 फीट का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसका हम हल्का सा 3D देख लेते हैं, हमने इसका 3D भी रेडी किया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका 3D कुछ इस टाइप से आपका 3D है, जहां से एंट्री वेंट्री है, जो भी चीजें हैं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। पहले हम इसके प्लानिंग को देख लेते हैं। प्लानिंग में क्या है कि ये आपका फ्रंट है, जहां से आपका 5 फीट का हमने यहाँ पे एंट्री गेट दिया है, स्टेप्स हैं कुछ। जैसे एंट्री करते हैं राइट साइड में ड्रॉइंग रूम यहाँ पे आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे 7 फीट बाय 7 फीट 10 इंच का एक ड्रॉइंग रूम है। आप इस एरिया को भी यूज कर सकते हैं, इस एरिया को भी आप यूज कर सकते हैं। यहीं से हमने स्टेयर चढ़ाई है, एंट्री कर दे लेफ्ट साइड से, आप स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे गेस्ट वगैरह है तो यहीं पे आके आपको बिठा सकते हैं। यहाँ पे विंडो लगाई है हमने, यहाँ से एंट्री है डायरेक्ट डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में यहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं। सामने हमने किचन बनाई है कुल 5 फीट 10 इंच बाय 10 फीट की, 5 फीट 10 इंच ऐसे 10 फीट आपका ऐसे। काफी अच्छी किचन है, वेंटिलेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, चिमनी वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे विंडो लगाई है क्योंकि यहाँ पे हमने गली का प्रोविजन दिया है, और इस साइड अगर गली नहीं है तो आप यहाँ पे चिमनी लगा सकते हैं। डाइनिंग रूम का एरिया भी काफी बड़ा है, 11 फीट 2 इंच बाय 8 फीट 5 इंच का आपका डाइनिंग का एरिया है। तो यहाँ पे हमने एक बेडरूम दिया है 11 फीट बाय 9 फीट का, और एक बेडरूम यहाँ पे दिया है 11 फीट बाय 9 फीट का। दो बेडरूम का स्पेस हमने दिया है, काफी बड़ा स्पेस है, काफी अच्छा स्पेस है। और हमने एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथरूम हम यहाँ पे प्रोवाइड किया है सबके लिए, जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो 5 फीट बाय 5 फीट 8 इंच का है। ओके, तो इसका अगर हम 3D की बात करें, 3D दिखाएं, तो ये यहाँ पे इस टाइप से एंट्री करते आप देख पाएंगे। यहाँ से स्टेयर है, आप कुछ इस तरीके से स्टेयर दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सोफे वगैरह आप लगा सकते हैं इजिली। उसके बाद जैसे ही एंट्री करेंगे, डाइनिंग रूम है आपका, यहाँ पे एंट्री हो सकती है यहाँ पे। उसके बाद ये बेडरूम की एंट्री है, ये इस बेडरूम की एंट्री है, जहाँ पे आप टीवी वगैरह का प्रोविजन यहाँ पे इस वॉल पे कर सकते हो या इस वॉल पे कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। एक विंडो हमने यहाँ पे लगाई है ताकि बेडरूम से बाहर का दिखते रहे, आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत आपके ऊपर भी है कि आप किस तरीके से अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पे मैनेज करते हो। ये रेविट में बना हुआ प्लान है, वॉल्स को मैंने नीचे किया हुआ है। अगर मैं वॉल्स को सिलेक्ट करके अगर मैं इसे ऊपर करता हूँ, कनेक्ट टू लेवल टू, टॉप ऑफसेट में 0 रखता हूँ, तो ये देखो आपकी वॉल यहाँ पे ऊपर की तरफ आ जाएंगी। वो तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए नीचे रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। तो ये आपके एक्चुअल में प्लान है 3D में, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लानिंग भी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें, और भी मेरे को सजेस्ट करें कि आप क्या चाहते हो, कितने बाई कितने के प्लॉट एरिया चाहते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।